नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हुए हैं जहांगीरपुरी में। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के द्वारा आज से बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। दिल्ली पुलिस इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो विवाद यहाँ मंदिर और उस मस्जिद से शुरू हुआ था, उस पर अब यहाँ पे जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, उसके बाद में आज जो अमित शाह है, उन्होंने यहाँ पे नॉर्थ दिल्ली MCD से जो इकबाल राजा है, उन्होंने ऑर्डर दे दिए हैं कि ये जो घर यहाँ पे गैर कानूनी बने हुए हैं या जो गैर कानूनी तरीके से बने हुए हैं या जो कबाड़ा मार्केट यहाँ पे चलती है, इसे तहस नहस करने का काम आज दिल्ली पुलिस के जवान करेंगे। जिसके लिए 400 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ डिप्लॉय कर दिया गया है, जिसमें महिला पुलिस कर्मियों को सबसे ज्यादा रखा गया है। अगर हम बात करें तो अगर यहाँ जब बुलडोजर चलेगा तो आप देखिए किसी किसी ने चार चार मंजिल भी बनाया हुआ है, लेकिन इन्हें इतनी यहाँ पे परमिशन नहीं थी चार चार मंजिल बनाने की। ये लोग तैयार थे, आप देख सकते हैं वहाँ दिल्ली पुलिस फोर्स भी तैयार है पूरा अपना तामझाम लेकर। अगर यहाँ पे कुछ भी ये कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं या पथराव करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे दिल्ली पुलिस के हर एक जवान यहाँ पे सतर्क है कि यहाँ पे जो भी कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा, उसको ये लोग माने और यहाँ पे जब बुलडोजर चले तो उसको सही तरीके से घरों को तोड़ा जाए। और उसके बाद में हम बात करें जो जो घर अवैध हैं उन्हीं पे बुलडोजर चलने की कार्रवाई की जाएगी। और ये नॉर्थ दिल्ली MCD की तरफ से ऑर्डर पास हुआ है, इकबाल राजा ने कहा है यहाँ पे दिल्ली पुलिस अपनी फोर्स को ज्यादातर डिप्लॉय करे, हम लोग बुलडोजर भेजेंगे और इस कार्रवाई के बीच में जो भी आएगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अब तक इस मामले में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अंसार का भी घर इसी बस्ती में आता है, पीछे अगर मैं कैमरामैन से कहूँ दिखाने के लिए, और इस मस्जिद से ही अगर शुरुआत हुई थी इस दंगे की। लोग कहते हैं कि इस मस्जिद से पत्थर फेंकने का काम किया गया था शोभा यात्रा पे। और अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट पूरी तरीके से यहाँ पे है और दिल्ली पुलिस के हर एक जवान यहाँ पे सतर्क है। अगर हम बात करें तो ये डिप्लॉयमेंट देखकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूरी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैन नेटवर्क, यहाँ पे कोई अंदर नहीं आ सकता है, यहाँ पे पूरा डेंजर जोन है एक तरीके से। यहाँ पे फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है, उस जांच के बाद जो भी आएगा यहाँ पे पीछे बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा। इन जहांगीरपुरी बस्ती में ज़्यादातर कबाड़े का काम होता है, पीछे कबाड़ा देख सकते हैं। इस कबाड़े के जो काम है इसकी परमिशन यहाँ के लोगों को नहीं होती है कबाड़े के काम करने की, लेकिन जो जो इस कबाड़े के काम को कर रहा है उसको यहाँ पे बंद किया जाएगा दिल्ली पुलिस के द्वारा और यहाँ पे बुलडोजर चलाने का काम आज से शुरू किया जाएगा। जो कार्रवाई मध्य प्रदेश के खारगोन में हुई, जो कार्रवाई यूपी में हुई, उस कार्रवाई को अब यहाँ पे किया जाएगा इसमें दिल्ली जहांगीरपुरी में, और ये दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जाएगा, अमित शाह की टीम के द्वारा किया जाएगा। नॉर्थ दिल्ली MCD के इकबाल राजा ने कहा है जो जो घर यहाँ पे अवैध हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्हें सिर्फ 25 और 35 गज के प्लॉट अलॉट किए गए थे, जिनकी इन लोगों को बढ़ा के इन लोगों ने 50-50 गज के प्लॉट कर लिए हैं। इन लोगों को अगर हम बात करें तो एक मंजिल के फ्लोर की ही यहाँ पे परमिशन थी, लेकिन इन्होंने चार मंजिल से ज़्यादा फ्लोर बनाए हुए हैं। तो मेन बात यही आ जाती है दोस्तों कि यहाँ पे आज से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस पूरे फॉर्म में तैयार है यहाँ पे कि आज से बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पे चालू हो जाएगी। बुलडोजर तैयार हैं। पीछे की बात करें तो आप देखिए ये जो कबाड़ा आपको दिखाई दे रहा है ये सारा गैर कानूनी है, यहाँ पे किसी भी तरीके की परमिशन इस कबाड़े के लिए नहीं होती इनके पास में, लेकिन आज दिल्ली पुलिस की यही कार्रवाई होगी बुलडोजर से, PWD से इसको पूरा साफ कराया जाएगा, इस जहांगीरपुरी को पूरा क्लीन किया जाएगा। और यही अमित शाह की पहल है कि इसमें जितनी भी कार्रवाई हो सारी पुलिस की गाइडेंस में हो। 400 से ज़्यादा महिला पुलिस कर्मियों का डिप्लॉयमेंट आज जहांगीरपुरी में हुआ है इसी के लिए कि कोई भी महिला अगर बुलडोजर के बीच में आती है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए, या जो भी बुलडोजर के बीच में आता है उसे पुलिस पकड़ने का काम करेगी। जो अंसार की अगर हम बात करें, अंसार भी इसी सी ब्लॉक में रहता है, यहाँ पे जो निवासी है हमारे साथ मौजूद है। क्या हो रहा है सर, कैसे खुश हैं आप इस कार्रवाई से? खुश हाँ, बुलडोजर चल रहा है? चल रहा है। बढ़िया लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। ये जो जिन्होंने पत्थरबाजी करने का काम किया था कैसे किया था? गलत करा था। आज सजा मिलेगी। आज सजा मिलने का टाइम है, आज फाइनल डे है कि अगर बुलडोजर का टचअप यहाँ पे मिलता है तो सबसे बढ़िया बात यहाँ के लोगों के लिए होगी, क्योंकि ये घर भी एक अवैध है। यहाँ कोई बदले की भावना से कार्य नहीं किया जा रहा है, जो घर अवैध है उन्हें तोड़ने का काम किया जा रहा है। आप बताइए कैसा लग रहा है? क्या नाम है आपका? राजू। कैसा है बुलडोजर चल रहा है यहाँ पे? अब अचानक कैसा चल रहा है, क्या समझे? मतलब जो दंगाई करते हैं उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए ना। तो आज चल रहा है यहाँ पे। अंसार का भी घर अगर हम बात करें तो इसी सी ब्लॉक में है, ये सी ब्लॉक है, और उधर अगर हम बात करें तो जी ब्लॉक है। जी ब्लॉक के बीच में अगर ये विवाद शुरू हुआ जी और सी ब्लॉक के बीच में, तो इस विवाद का आज अंत दिल्ली पुलिस एक तरीके से करने जा रही है कि यहाँ पे आज बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अगर हम बात करें तो मेरे पीछे आइए, अगर हम आपको दिखाएं ये मस्जिद है, यहीं से वो अगर हम बात करें तो यहाँ से शोभा यात्रा निकल रही थी। इस शोभा यात्रा पे जो कथित तौर पे सामने आ रहा है
कि इसी मस्जिद से पत्थर फेंकने का काम हुआ था। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, फॉरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है। अगर हम आगे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स पूरी डिप्लॉयड है यहाँ पे। और अगर हम आगे की पीछे मंदिर था, मंदिर और मस्जिद के बीच में मात्र 20 से 30 मीटर का गैप है इसके बीच में। आप बताइए बुलडोजर चल रहा है, कैसा लग रहा है? ये बहुत गलत लग रहा है, सही नहीं लग रहा है। गलत लग रहा है क्यों? क्यों दंगाइयों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, दंगावी कार्रवाई होना चाहिए जी, मगर क्या करें, कामों का नुकसान हो रहा है, काम हो नहीं रहा है। आप भी कबाड़े वाले हैं यहाँ पे? जी नहीं, मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं आप, तो ऐसा क्यों, आपको दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि तो सर काम त्योहार का टाइम है, काम नहीं हो रहा है तो दुख नहीं होगा? आपकी आंखों में भी आंसू हैं थोड़े से, मैं देख पा रहा हूँ। जी हाँ, तो यहाँ पे लोगों ने अवैध घर भी तो बनाए हुए हैं, 3-3 मंजिल 4-4 मंजिल, तो अवैध घर है ना, किसी को इतनी परमिशन नहीं है 4 मंजिल घर बनाने की। लोगों से 6-7 मंजिल घर बना ले, उन्हें भी इतनी नहीं, उन लोग बना ले, लोग तो 3 मंजिल लेते तो चलते ही थे। चलिए हम आपकी बात भी सुनेंगे, हम आगे की तरफ यहाँ दिखाना चाहते हैं, ये जो घर हैं इन पे ही आज बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होगी। आज यहाँ पे बुलडोजर आ चुके हैं, दिल्ली पुलिस की फोर्स आ चुकी है यहाँ पे और पूरी तरीके से अमला जमला तैयार है यहाँ पे लेके। बुलडोजर की कार्रवाई इन्हीं घरों पे होगी। और अगर हम आगे बात करें तो इस चीज़ को हम दिखाने का काम करेंगे कि ये जब बुलडोजर चलेंगे तो ये घर एक तरीके से अवैध हैं, क्योंकि इन घरों में ज़्यादातर लोगों के पास परमिशन नहीं है। यहाँ पे इन लोगों ने जब अगर 3 से 4 मंजिल बनाए हुए हैं, MCD की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 1 मंजिल घर बना होना चाहिए, और वो जो इंदिरा गांधी के समय इन्हें सिर्फ और सिर्फ 25 गज के मकान दिए गए थे, लेकिन इन्होंने इसे बड़ा बड़ा के 35 गज 40 गज कर लिया। और एक कबाड़ा आप देख सकते हैं, इस कबाड़े की परमिशन यहाँ नहीं है, इस कबाड़े की यहाँ परमिशन नहीं है, और इस पर भी आज PWD साफ करने का काम करेगी आज पूरी तरीके से जहांगीरपुरी को साफ। बताइए थोड़ा बुलडोजर चल रहा है, कैसा लग रहा है? बढ़िया है जी, सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। जो दंगाई थे दंगाई किया उन्होंने, दंगाइयों पे कार्रवाई, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही। जो यहाँ पे अवैध घर बने हुए हैं उन पे भी कार्रवाई होनी, चाहिए बिल्कुल। बुलडोजर चलने का अच्छा लग रहा है लोग? हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो गंदगी है वो साफ होनी चाहिए। और जो कबाड़े का काम है, कबाड़े के काम को भी पूरी तरीके ध्वस्त किया जाए, अपने प्रॉपर अपने तरीके से अपने कहीं भी करो, आपको दिक्कत नहीं जी। तो अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे मंदिर के सामने देख सकते हैं, मंदिर के सामने पुलिस फोर्स पूरी डिप्लॉयड है, मस्जिद के सामने भी पूरी पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। किसी भी तरीके का कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पे कुछ गलत काम करने की सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में RPF मौजूद है, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स के बीच में कोई भी अगर असामाजिक तत्व इस काम को करने की कोशिश करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप पीछे देख सकते हैं, पीछे तो हड़कंप मच गया है, पीछे दिल्ली पुलिस तैयार हो गई है, दिल्ली पुलिस ने अपना बिल्कुल तामझाम ले लिया है साथ में। अगर हम पीछे बात करें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इधर की तरफ पुलिस को आप दिखाइए कैमरामैन, आप पुलिस बिल्कुल तैयार है दिल्ली पुलिस यहाँ पे, और कार्रवाई के लिए बिल्कुल सतर्क है दिल्ली पुलिस यहाँ पे कि आज कार्रवाई होगी और होकर रहेगी। पीछे भी मैं कैमरामैन से दिखाना चाहता हूँ कि लाइव है, और हम लाइव में दिखा रहे हैं कि पीछे भी दिल्ली पुलिस तैयार है जहांगीरपुरी में सही तरीके से जो भी अवैध चीज़ें हैं यहाँ पे उसको ध्वस्त करने का काम पुलिस द्वारा किया जा रहा है। पीछे कैमरामैन उधर दिखाइए कि पुलिस फोर्स पूरी तरीके से तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं हम लोगों को, पुलिस फोर्स पूरी तरीके से तैयार है यहाँ पे। और यहाँ पे ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे कथित तौर पे सामने आ रहा है, फॉरेंसिक की टीम अभी जाँच कर रही है उस दिन हुआ क्या था क्या नहीं हुआ था। उसके बाद में अगर हम बात करें, वो उधर आप मंदिर देख सकते हैं पीछे, और यहाँ पे मस्जिद आप देख सकते हैं कथित। ये देखिए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयार है यहाँ पे। आप कैमरामैन दिखाइए दिल्ली पुलिस को कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस आज जो कार्रवाई होने वाली है बुलडोजर के लिए पूरी तरीके से तैयार है। MCD का बुलडोजर यहाँ पे आएगा और जो भी घर अवैध बने हुए हैं उन्हें तोड़ने का काम किया जाएगा। बात करें पीछे दिल्ली पुलिस के, आप जवान देख सकते हैं, पीछे महिला पुलिसकर्मी भी हैं कि आज महिला पुलिसकर्मियों को भी ज़्यादा डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि अगर महिला इस बुलडोजर के बीच में आती हैं उनको पकड़ने का काम ये महिला पुलिसकर्मी करेंगी। कोई भी इस कार्रवाई के बीच में अगर खनन पचाने की कोशिश करता है उसको पकड़ने का काम पुलिस करेगी, लेकिन आज बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर शुरू की जाएगी। पीछे आप देख सकते हैं कितनी तादाद में पुलिस यहाँ पर मौजूद है, इतनी तादाद में आपने पुलिस नहीं देखी होगी किसी भी एरिया में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद ये है कि शांति बरकरार की जाए, जो भी असामाजिक तत्व यहाँ पे जिन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनकी गिरफ्तारी हो और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसी सिलसिले में उनके घरों पे भी बुलडोजर चलाया जाएगा, जिसने भी अगर अवैध घर बनाए हुए उस पे बुलडोजर चलाया जाएगा। पीछे की अगर हम बात करें, बुलडोजर चल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, होना चाहिए ऐसा, बुलडोजर चलना चाहिए, बहुत चलना चाहिए, बहुत ज्यादा अनिति हो रही है यहाँ। उन्होंने पत्थरबाजी की शोभा यात्रा करी, बहुत ज्यादा करामानिति करी है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पुलिस फोर्स तैयार है। उधर आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स भी सी ब्लॉक की तरफ जा रही है। सी ब्लॉक में ज्यादातर अगर हम बात करें तो सी ब्लॉक में ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं और जी ब्लॉक में ज्यादातर हिंदू रहते हैं। तो सी ब्लॉक्स की तरफ वहाँ पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट जाता हुआ है। यहाँ पे पीछे आर्मी पूरी तरीके से तैयार है अपने डंडे लेके। यहाँ पे पुलिस के लिए हेलमेट्स उन लोगों ने पहने हुए हैं, कहीं दोबारा पत्थरबाजी हो जाए। दोबारा पत्थरबाजी का सबको यहाँ पे वो है क्योंकि पत्थरबाजी यहाँ पे कभी भी शुरू हो सकती है। माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण बना हुआ है। यहाँ पे पुलिस के पास भी हेलमेट्स आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं पुलिस के हेलमेट उनके पास हैं। पुलिस ने जैकेट पहनी हुई है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है पुलिस ने भी। और ये हम आपको दिखाना चाहते हैं, बहुत बड़ा अपडेट है कि यहाँ पे जो कार्रवाई हो रही है बहुत बड़ी कार्रवाई के रूप में सामने आएगी कि पुलिस अब यहाँ पे सी ब्लॉक की तरफ जा रही है अंदर की तरफ। और ये मुख्य बात यही है कि पुलिस अगर सी ब्लॉक की तरफ जा रही है तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है सी ब्लॉक में। सी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो सी ब्लॉक में अंसार रहता था जिसने दंगों को अंजाम देने का काम किया। सोनू चिकना भी सी ब्लॉक में रहता था। अगर हम सोनू चिकना की बात करें तो सोनू चिकना ने गोली चलाने का काम किया। वो वीडियो में कथित तौर पर सामने आ रहा है कि उसके हाथ में गोलियाँ थी, उसके हाथ में बंदूक थी। आप पीछे देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट जो है आगे की तरफ बढ़ता हुआ। अगर हम बात करें तो यहाँ पे सी ब्लॉक के अंदर ये जो सी ब्लॉक के लोग हैं वो सामने खड़े हुए हैं। ये सी ब्लॉक के लोग भी पूरी तरीके से तैयार हैं कि यहाँ पे अगर दिल्ली पुलिस का कोई भी डिप्लॉयमेंट आता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। यहाँ पे यहीं से अगर हम बात करें तो यहीं से पत्थरबाजी होना शुरू हुआ था सी ब्लॉक से। सी ब्लॉक भी पूरी तरीके से यहाँ पे खड़ा हुआ है। सी ब्लॉक भी कार्रवाई में बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ये सी ब्लॉक है, यह आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सी ब्लॉक के लोग हैं। क्या क्या लग रहा है आज जो कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से, कैसे देख रहे हैं आप इसे? क्या सही मान रहे हैं गलत मान रहे हैं आप इसे? तो यहाँ तो गलत है, बहुत गलत है। इधर आइए कैमरा में देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत क्यों हो रहा है? दंगाइयों को तो चलना चाहिए। वो तो बात ठीक है, दंगाई वहाँ से हुआ ना, सीढ़ी वारक से। यहाँ से तो कुछ भी नहीं, पत्थरबाज मस्जिद से आगे से हुआ था ना। घर भी तो अवैध बने हुए हैं लोगों के यहाँ। वो तो 40 साल से जब इंदिरा गांधी ने दिया उस टाइम से है। इंदिरा गांधी देखे गई थी कांग्रेस? हाँ बिल्कुल देखे गई थी कांग्रेस। देख गए पीछे आप देख सकते हैं, पीछे पूरी तरीके से ये सी ब्लॉक भी तैयार नजर आ रहा है। यहाँ पे सी ब्लॉक के हर घर से यहाँ पे मुझे एक शख्स देखने को मिल रहा है। ये पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पे पूरा है। पुलिस का तामझाम इतना ज्यादा है कि आज अमित शाह के ऑर्डर्स के बाद में पुलिस का डिप्लॉयमेंट इतना बढ़ा दिया गया है जिसकी कोई वो नहीं है, हद नहीं है। पीछे की तरफ अगर हम चलेंगे यहाँ पे जी ब्लॉक की तरफ अगर हम आपको लेकर जाएं तो जी ब्लॉक सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्मी का डिप्लॉयमेंट भी पूरा है। अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं यही वो मंदिर था जहाँ पे शोभा यात्रा का जो डीजे बज रहा था वो डीजे सबके सामने था। यहाँ पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट आपके सामने है पूरा का पूरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में सिर्फ मस्जिद और मंदिर के बीच में सिर्फ 10 से 20 मीटर का गैप हमें देखने को नजर आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ 10 से 20 मीटर का गैप है। अगर हम बात करें तो आगे की तरफ हम चलेंगे पुलिस का। देखिए हमने आपको अभी एक एक पुलिस की टुकड़ी दिखाई थी, अब दूसरी पुलिस की टुकड़ी भी सामने से आ चुकी है। इतनी आप फोर्स आप इसको गिन नहीं सकते जितनी दिल्ली पुलिस की फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से इस कार्रवाई के लिए तैयार है। क्योंकि उनके जवान को भी घायल किया गया था उस दिन, अगर शोभा यात्रा की अगर हम बात करें। और दिल्ली पुलिस के जवान जब से कल रात से ऑर्डर जारी हुआ है कि यहाँ पे बुलडोजर चलाया जाएगा तो दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि कोई भी अगर कार्रवाई के बीच में आएगा, बुलडोजर के बीच में आएगा, उसको गिरफ्तार करने का काम भी दिल्ली पुलिस यहाँ पे करेगी। और आप पीछे देख सकते हैं पूरा सी ब्लॉक है। अगर हम बात करें तो सी ब्लॉक के लोग भी यहाँ गेट पे खड़े हुए हैं, पुलिस भी यहाँ पे तैयार है, सी ब्लॉक में यहाँ पे तैयार। हम सी ब्लॉक की तरफ जाएंगे, आपको दिखाते हैं सी ब्लॉक के लोगों से यहाँ बात करके बताते हैं आपको कि क्या सोच रहे हैं ये लोग, क्या सोच रहे हैं आप लोग जो कार्रवाई। बच्चा निकल गया मेरा पोता, मैं तो उसे ढूंढना है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या आपको सही लग रहा है? तो सर देख ही रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। जो बुलडोजर की कार्रवाई का कल रात नोटिस आया उसके बाद अभी कुछ नहीं बता मैं तो सर, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता सर। दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ चुका है, वो बताएंगे दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट। कुछ नहीं पता अभी, सब सो गए उठ के आए, कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता। आप कैसे देख रहे हैं जो कल रात जो ऑर्डर जारी हुए हैं होम मिनिस्ट्री की तरफ से, नॉर्थ दिल्ली एमसीडी की तरफ से कि कार्रवाई होनी चाहिए? किस चीज की ऑर्डर हुआ ये भी तो नहीं पता ना, कि जो अवैध घर है उन्हें तोड़ने का काम यहाँ अवैध है। ये तो गवर्नमेंट के दिया हुआ प्लॉट है सारा अवैध काम। अब हम पीछे हम ये सी ब्लॉक है यही वाला, यही और मस्जिद और मंदिर के बीच का ये जो बीच का जो दायरा है यहाँ से कुछ कथित तौर पे भी फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस भी बैठी हुई है मस्जिद के गेट पे। अगर हम बात करें तो वहाँ पुलिस के गेट पे, सॉरी मंदिर के गेट पे पुलिस बैठी हुई है। यहाँ पे हर जगह पुलिस का डिप्लॉयमेंट पूरा है। किसी भी तरीके से कोई भी इस सौहार्द को खराब नहीं करेगा, कोई भी इस जो पुलिस ने यहाँ पे अपना पूरा अमला जमला यहाँ पे मौजूद
मौजूद है, कोई भी अगर यहाँ पे दंगा भड़काने की कोशिश करता है, कोई भी यहाँ पे कुछ भी करने की असामाजिक तत्व आता है तो उस पर भी सजा देने का काम पूरा करेगी। बताया जाता है कि कथित तौर पे कि इस मस्जिद के ऊपर ही पत्थर मौजूद थे। इस मस्जिद के सामने जब वो शोभा यात्रा आई तो शोभा यात्रा पे पथराव करने का काम किया गया। इस मस्जिद पे पहले से ही इनके पास बोतलें थी, इस मस्जिद से ही पहली यहीं से पथराव हुआ है। तो यहाँ पे अगर एक कथित तौर पे यहाँ से पथराव हुआ है तो पुलिस और पूरी फॉरेंसिक टीम इसकी जाँच कर रही है। अगर हम पीछे यहाँ पे बात करें इनसे कि सही हो रहा है सर? बहुत अच्छा हो रहा है, होना चाहिए ऐसा। यहाँ पे यहाँ के लोग खुश हैं कि यहाँ के जो अवैध कब्जे हैं उन्हें बंद करने का सीधे ले। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पीछे आप देख सकते हैं ये पूरी कॉलोनी जो सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक में बुलडोजर चलने का काम आज किया जाएगा। क्या सी ब्लॉक के लोग जो पहले यहाँ पे पत्थरबाजी हुई थी, क्या फिर से वो पत्थरबाजी देखने को मिलेगी? जो बीच में परसों की दिन पुलिस पे पत्थरबाजी हुई थी यहाँ थोड़ी बहुत, तो क्या वो भी इस बार देखने को मिलेगी? तो ये मेन कारण यही है कि क्या आज यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, क्या आज यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई को बहुत बड़ा कर दिया जाएगा। बुलडोजर आज हर जगह तोड़फोड़ मचाने के लिए तैयार है और दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। यहाँ पे कोई भी अगर असामाजिक तत्व इन्हें दिखाई देगा, या कोई भी दंगाई जिसने पहले इस दंगे को भड़काने की कोशिश की, या कोई भी दंगाई जिसने शोभा यात्रा को रोकने की कोशिश की थी, उस पर भी पूरी तरीके से यहाँ दिल्ली पुलिस तैयार नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ और हेलमेट के साथ यहाँ दिल्ली पुलिस तैयार है, क्योंकि यहाँ पत्थरबाजी का डर जो है वो बना हुआ है कि कहाँ से कब पत्थरबाजी हो जाए। तो इसके लिए दिल्ली पुलिस हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट लेके तैयार है। तो सबसे बात है पीछे जो आप सी ब्लॉक देख सकते हैं वो सी ब्लॉक ही सबसे मेन है। सी ब्लॉक में क्या कार्रवाई हुई है, सी ब्लॉक से क्या हुआ था उस दिन, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे बना हुआ है। अगर हम पीछे की बात करें तो हम आपको दिखाएंगे कि ये जो मस्जिद है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा पीछे, अगर हम बात करें आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है यहाँ पे कि कोई भी यहाँ असामाजिक तत्व नहीं दिखाई देगा। जहांगीरपुरी को पूरी तरीके से साफ करने का काम आज पुलिस कर देगी। जो भी इलीगल घर बनाए हुए हैं यहाँ पे, जिन्होंने भी इलीगल घर बनाए हुए हैं उन पे सही तरीके से कार्रवाई की जाएगी। अगर हम पीछे आप देख सकते हैं मेरे साथ में, ये जो आप बीच में घर देख रहे हैं ये अवैध घर हैं। अवैध घर ऐसे हैं दोस्तों क्योंकि इनके पास परमिशन नहीं है, इनके पास जो है अपने घर की तीन तीन चार चार मंजिल अगर इन्होंने बना लिया है तो इनके पास परमिशन नहीं है। पीछे आप देख सकते हैं यही वो मंदिर था जहाँ से शोभा यात्रा की जो शुरुआत थी या जो अंत था वो यहीं से था। लेकिन हुआ क्या, जब वो शोभा यात्रा दूसरी बार यहाँ से निकली और तीसरी बार जब यहाँ पे आई तो कहा जाता है कि शोभा यात्रा इतनी लंबी हो गई थी कि वहाँ पे जो लास्ट में शोभा यात्रा में मौजूद लोग थे उन पे ऊपर से कथित तौर पे पथराव करने का कार्य किया गया। लेकिन अभी भी फॉरेंसिक की टीम इसकी जाँच कर रही है, क्या पथराव का कार्य मस्जिद के ऊपर से हुआ या इन घरों के ऊपर से हुआ, ये अभी जाँच का विषय है। अगर हम बात करें तो पीछे आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की पूरी टीम यहाँ पे सतर्क है, क्योंकि आज बुलडोजर की जो कार्रवाई यहाँ पे होने जा रही है वो बहुत बड़ी कार्रवाई है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें एमसीडी ने आज बुलडोजर चलाने का ऑर्डर दे दिया है कि ये जो इलीगल घर हैं, क्योंकि ये 25-25 गज के मकान होते थे, 25 गज के मकान इन्होंने 35 गज के कर लिए और वन फ्लोर बनाने की इन्हें परमिशन थी, सिर्फ एक फ्लोर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे इन्होंने चार चार फ्लोर बनाए हुए हैं, तो एक तरीके से ये इलीगल है पूरा का पूरा यहाँ पे, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक 25 गज की जगह और एक फ्लोर बना के दिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इन लोगों ने ये अवैध जो अतिक्रमण है या जो यहाँ पे जो कबाड़ा बाजार जो चलता है यहाँ का, ये जो चलने का काम है, क्या दिल्ली पुलिस आज उसे बंद करने का काम करेगी? क्या यहाँ पे इस चीज़ पे बुलडोजर चलेगा? पीछे देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान पूरी तरीके से सतर्क हैं यहाँ पे। अगर हम आगे की बात करें तो पूरा पुलिस डिप्लॉयमेंट आगे की तरफ हो रहा है, सी ब्लॉक के सामने हो रहा है कि आज जो कार्रवाई बुलडोजर चलाने की होने वाली है उस पर सही तरीके से निगरानी रहे, उस पर कोई भी असामाजिक तत्व अगर बीच में आता है बुलडोजर की कार्रवाई के तो उसको भी पकड़ने का काम दिल्ली पुलिस यहाँ पे आज करने वाली है। पीछे की तरफ अगर हम आपको लेकर चले तो अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे कबाड़ा मार्केट बहुत बड़ी होती थी। कबाड़ा मार्केट यहाँ पे दिल्ली की सबसे बड़ी कबाड़ा मार्केट यही होती थी कि दिल्ली का जितना भी कबाड़ होता था, जितनी भी गंदगी होती थी वो जहांगीरपुरी में लाई जाती थी। लेकिन आज उस गंदगी को ख़त्म करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो पीछे यहाँ पे पुलिस भी इंट्रैक्शन कर रही है सी ब्लॉक के लोगों के साथ में, पुलिस भी बात कर रही है। पुलिस क्या बात कर रही है बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पुलिस इन्हें बता रही है ऐसा कुछ नहीं होगा, बुरा कुछ बड़ा नहीं होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम बात करें आगे सर, हम थोड़ी
अगर हम आगे की बात करें तो पुलिस यहाँ पे पूरी तरीके से मौजूद है। यहाँ पे हर तरीके की अगर हम बात करें तो इसी मस्जिद से कथित तौर पे पथराव का काम किया गया था। अगर हम आगे की तरफ दिखाएं आपको तो यहाँ पे बुलडोज़र की कार्रवाई जल्दी यहाँ पे शुरू होने वाली है। बुलडोज़र पूरी तरीके से तैयार है और यहाँ पे बुलडोज़र चलने का काम किया जाएगा। बस एक सेकंड रुक जाओ, बंद मत करना।